हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम माधवी सिंह। आज मैं आपको बता रही हूँ कि हम स्पाइसी बनाना किस तरीके से बनाते हैं। आपने बनाना का शेक पिया होगा, बनाना की सब्जी खाई होगी, पकोड़े खाए होंगे, लेकिन ये थोड़ा मैं डिफरेंट सा आपका बना रही हूँ। इसके लिए मैं सामान की किस किस तरह की ज़रूरत है बताइए मैं आपको। ये देखिए, ये बनाना लिया, ये बनाने का साइज़ बहुत बड़ा है, तो इसलिए हम इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर आप साउथ में जाएंगे तो वह छोटे एकदम से बनाना मिलते हैं, वो हम सिंगल ले सकते हैं। ये हमें चाहिए इसके लिए बनाना। ये अमचूर है, ये आप देख रहे हैं, ये है दालचीनी का पाउडर है थोड़ा सा, ये सौंफ है, ये इलायची, और ये मैंने नींबू लिया है, ये रेड चिली है, ये काला नमक है, ये मैदा लिया मैंने, और ये हमें चाहिए पानी। पहले हम इसके अंदर ये सौंफ डाल देंगे, इसमें ये दालचीनी का पाउडर डाल देंगे, जो हमारी ये इलायची है वो डाल देंगे, बाकी जो मिक्सचर है उसको हम आपस में मिक्स कर देंगे। ये हमने बनाना में डालेंगे। पहले हम इसको घोल लेते हैं। कि आपने देखा था, मैंने ये इसको काट लिया था, ये जैसे ऐसे किस तरीके था, मैंने साइज करके तीन तीन पीस में, और मैंने इसको बीच में से भी काट लिया, और अंदर की साइड से मैंने हल्का हल्का इसमें चीरा लगा दिया। इसके बाद मैं इन सब में ये डाल दूंगी जो मैंने मसाला मिक्स कर रखा था। ये आपको जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि नमक है वो सब पानी छोड़ देगा, मॉइस्चर हो जाएगा, तो आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। और हम इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा इनमें, ये देख रहे हैं, लेमन ये डाल देंगे थोड़ा सा इसमें। इसको हम इसे मिक्सचर घोल में इसमें डालेंगे और हम इसको फ्राई करने डाल देंगे। ये आप देख रहे हैं हमारे ये ब्राउन हो रहे हैं, ये देखिए। अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाले हैं तो आप इसको पहले करके निकाल सकते हैं, जब गेस्ट आए तब आप उनको दोबारा से हल्का सा फ्राई करके उनको क्रिस्पी दे सकते हैं। ये अब इसको निकाल लेंगे, देखिए हमारे हो चुके हैं। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि हमने पनीर के पकौड़े बना रखे हैं। मैंने इसकी प्लेटिंग हर्षी और आइसिंग शुगर के साथ की है। अगर आपको मेरे ये आज के वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने से प्यार कीजिएगा। बाय।